उषा अमरावती से। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉस रोज़। इसे मॉस रोज़ भी कहते हैं, पोर्चुलिका भी कहते हैं और ऑफिस टाइम भी कहते हैं। तो ये देखिए ऑरेंज और डार्क रानी कलर का शेड है और ये परसुले। देखिए इसमें भी कितने सारे फूल आए हैं। और यहाँ पर पूरे मैंने परसुलिन ही लगाया है। तो देखिए देख सकते हैं येलो कलर, रेड कलर, इसमें से कुछ फूलों का शेड अपने आप ही बदल गया है। और ये ऊपर जो मैंने डीआईवाई की ये जो पॉट बनाया है उसमें भी वही लगाया है, क्योंकि समर में तो कुछ भी फूल वाले पौधे ज़्यादातर चलते नहीं, वो दो चार जो नाम हैं तो वही फूलों के पौधे समर में चलते हैं। ये यानी कड़ी धूप वो ही सहन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे परसुले ही लगाए हैं और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखिए मैंने हैंगिंग में भी यहाँ पे लगाया है परसुले, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कोले से और यहाँ पर है मेरा जासवंद। तो देखिए और यहाँ पर कुछ कोलियस है, ये देखिए डार्क रेड, उसमें से थोड़ा सा पिंक शेड वाला और ये वाला। यहाँ पे पूरे कोलियस लगे हैं, इसके पत्तों का आकार अलग ही है ये हुए। और यहाँ पर फिर से मॉस रोज और उसमें थोड़े से येलो कलर के परसुलेन, वाइट और रेड, देखिए कितना कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए ये वाइट कलर का मॉस रोज। दोस्तों ये सुबह खिलते हैं 9 बजे के बाद और उसके बाद 12 बजे तक रहते हैं और उसके बाद फिर वो मुरझा जाते हैं। इनका ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाले जो येलो कलर के परसुले हैं वो 2-3 बजे तक रहते हैं, वो ज़्यादा देर रहते हैं। यहाँ पर भी येलो कलर का परसुले पोर्चुला का। और यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है गिलाड़िया इस पूरे पॉट में। देखिए इनमें कुछ कलियाँ भी निकल आई हैं, कुछ दिनों में यहाँ पर फूल लग जाएंगे, देख सकते हैं आप। तो ये है गिलार्डिया, ये भी समर में अच्छा चल जाता है, इसमें भी बहुत सारे फूल आते हैं। और ये देखो, ये देखिए मेरा मैरीगोल्ड, इसमें भी एक दो फूल लगे रहते हैं, छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। और यहाँ पर विंका, यानी बहुत बारिश के कारण उसका कलर कुछ हो गया था, तो यहाँ देखिए दूर से ऐसे दिख गार्डन, यहाँ से और ये ऊपर। और उसके बाजू में ये है कृष्ण कमल। नर्सरी वालों ने तो कहा था कि ये रेड कलर का है, तो देखते हैं कि अब कौन सा कलर निकलता है। इसमें फिलहाल तो कलियाँ भी आई हुई हैं, तो कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कलर। और ये देखिए ये मॉस रोज कितना सुंदर कलर है। और यहाँ पर रेन लिली, ये वाइट कलर की रेन लिली है और इसमें देखिए बर्ड्स भी आई हुई है, यानी 2-4 फूल खिल गए थे। और यहाँ पर पूरे कोलियस देखिए, ये पूरे कोलियस, ये ऑरेंज कलर का ही बिस्कस है, ये वाइट कलर का है, ये पिंक कलर का, देखिए अभी फूल खिलने बाकी है। और ये रेड कलर का बड़ा सा फूल है। और देखिए मैंने DIY बनाए हैं, ये 5-5 रुपये के डिब्बे मिलते हैं, तो इनको कलर देकर आप ऐसे बना सकते हो। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इसमें मैंने मॉस रोज लगाए हैं क्योंकि वो बहुत हो चुके थे, तो एक एक कलर डिवाइड कर दिया है। और ये मेरे विंटर का पिटूनिया है, सीड निकल आया था तो उसमें से वो वहाँ पर लगा दिया। तो ये गुलाब का है, ये पिंक कलर का गुलाब है। और ये कनेर, ये पिंक कलर का कनेर है, जैसे गुलाब का फूल है वैसा ही है। और ये फिर से गिलाड़िया, यहाँ पर रेड कनेर और यहाँ पर ये गुलाब लगे हुए हैं, इनमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई है।
और ये ऑरेंज कलर का मिनी रोज, इसे बटन गुलाब भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो बंदर आते हैं तो वो सारी कलियाँ तोड़ के खा जाते हैं, फूल खिलने ही नहीं देते। और ये नीम का पौधा, और ये देखिए गुलाब पिंक कलर का, यहाँ पर कुंदा, यहाँ पर फिर से जासवन, हिबिस्कस, और ये रेड गुलाब, और ये ऑरेंज कलर का बटन, मैंने उसी में से कटिंग लगाई थी। और ये मैंने गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई है, ये मैंने मई में लगाई थी, मई के लास्ट में लगाई थी। और इन सब को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और ये है मेरे विंग का, इसमें ऑरेंज शेड निकल आया है। इनकी सबकी मैंने पिंचिंग करी थी, देखिए कितने सारे यहाँ से और भी ब्रांचेस निकल आए हैं। इनके भी बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। इस समर मैंने ज़्यादातर विंका ही लगाए हैं। और ये मैंने सीड्स ऑनलाइन से परचेस किया था, यहाँ पर भी वो जो एक नर्सरी से मैंने पौधा लाई थी उसमें से जो सीड्स गिरे तो उनमें से ये छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, तो इनमें भी मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया है। और ये मेरी पुरानी गुलदाउदी, इन्हीं में से कटिंग लेकर मैंने वो कटिंग्स लगाई है। देखिए पूरी गुलदाउदी, और यहाँ पर है ये है वर्बीना, इसमें पिंक शेड, वाइट पिंक शेड, और वो वाइट, यहाँ से फिर से गुलदाउदी, ये वाइट वर्बीना। और देखिए ये मैंने कटिंग्स लगाई है गुलदाउदी की, ये फ़िलहाल की ही कटिंग्स हैं। अगर आप इसे शेड में रखते हो तो बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। ये पूरी कटिंग्स लगाई हुए हैं, और इस पॉट को मैंने नंबर दे दिया है तो ये हमें पता चल जाता है कि कौन सा कटिंग कौन से कलर की है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हुई गुलदाउदी की कटिंग। तो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।